तो मैं YouTube चैनल DS क्वेश्चन ब्लॉग, तो मैं आपके लिए आज ब्लॉग लाया हूँ 5। तो इसमें मैं आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है गाइस पूल टेबल। तो पूल टेबल गाइस, ये पूल टेबल स्टिक से खेलते हैं। ये इसकी स्टिक रखी हुई है, ठीक है। इसमें एक रैक होता है जिसके अंदर बॉल्स हम सेट करते हैं। ये आपके सामने जो बॉल दिख रही है, ये बॉल्स है आपके सामने। इसके अंदर गाइस टू टाइप्स की बॉल होती है, सॉलिड हो गई एंड स्ट्राइप्स हो गई। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। देन इसमें एक दो तरह की एक और गेंद होती है, एक व्हाइट होती है, एक ब्लैक गेंद होती है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट आ जाओ, सॉलिड में जो बॉल्स हैं ये देखना, आपको हाफ रेड होगी और हाफ व्हाइट है, तो ये स्ट्राइप्स है, इसकी पहचानी होती है। देन ये जो ऑरेंज कलर की बॉल्स है, इसके अंदर पूरा आपको ऑरेंज होगा बॉल पे, खाली बहुत कम व्हाइट होगा जिसपे नंबर पे होगा, तो उसको सॉलिड बोलते हैं। जो पूरी कलर पे ऑरेंज हो तो वो सॉलिड है, जो कलर रेड है, हाफ रेड है और हाफ व्हाइट है, तो उसको स्ट्राइप्स बॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको हो गई स्ट्राइप्स एंड सॉलिड। देन आ जाओ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल। इस जो ये व्हाइट बॉल होती है गाइस, इससे हम सारी गेंद को हिट करते हैं, इस व्हाइट बॉल से, ओनली सिर्फ व्हाइट बॉल। देन एक ये ब्लैक बॉल होती है गाइस, ये एक तरह का रानी या राजा होता है, जो आप गेम खत्म होने के बाद ही आप इसको पॉकेट में डाल के गेम खत्म कर सकते हैं। तो ये 8 नंबर की गेंद होती है, ओनली 8 नंबर की ब्लैक गेंद होती है, पूरे बॉल्स में पूरी ब्लैक्स होती है। तो ये एक राजा रानी की तरह काम करता है। जैसे आपकी कोई दो टीम होती है इस गेम में, ए और बी टीम। जैसे ए टीम की सारी गेंद निकल गई है स्ट्राइप्स, उसका भी बताऊंगा कि पहली प्लेयर का कौन सी गेम होती है स्ट्राइप्स होती है और सॉलिड होती है, उसके बारे में बताऊंगा। प्लेयर की गेंद सॉलिड कैसे होगी और स्ट्राइक की सेकेंड प्लेयर की गेंद कैसे होगी। तो गाइस जैसे अगर लकी ने आपको हिट करके दिखाया था, अगर कोई भी फर्स्ट टाइम पे हिट करने के बाद कोई भी गेंद सॉलिड या स्ट्राइप हो, किसी भी पॉकेट में बाय चांस चली जाती, बाय चांस पॉकेट में चली जाती है, तो आप ये देख लेना कि गेंद पॉकेट में कौन सी गई है, सॉलिड गई है स्ट्राइप गई है। अगर सॉलिड ही होगी तो फर्स्ट प्लेयर की गेंद सॉलिड होगी, वो सारी गेम में सॉलिड गेंद को ही हिट करेगा। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं जाती है तो दूसरा प्लेयर हिट करेगा। अगर दूसरे प्लेयर की गेंद चली जाती है स्ट्राइप्स, तो वो सारी गेंद को स्ट्राइक पे ही हिट करेगा, सॉलिड भी नहीं करेगा। तो इसकी ये होती पहचान कि कौन सी प्लेयर की कौन सी गेंद जो हिट करेगा। जो भी पहली गेंद 6 पॉकेट में से किसी भी गेंद में चली गई, तो वो प्लेयर की वो गेंद होती है जो स्ट्राइक सॉलिड में से दोनों में से जो पॉकेट में चली जाती है, ठीक है गाइस। तो लेट्स प्ले, इसको सेट करते हैं। इसको सेट करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूं गाइस। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने, ये सेंटर है मेरे पूल का, तो सेंटर के आउट करके मैंने इस पूल टेबल को, ये रैक को, सॉरी, यहाँ लगा दिया। तो इसमें बॉल लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा गाइस। ये देखो, पहले तो जो ब्लैक कलर की बॉल है एकदम कोने पर रखते हैं हम, ठीक है। देन रखेंगे स्ट्राइप्स, ठीक है। देन रखेंगे सॉलिड। इस रैक में ऐसे बॉल्स रखते हैं, स्ट्राइप सॉलिड, स्ट्राइप सॉलिड। तो मैं आपको इसको रख के दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मैंने रैक के अंदर सारी बॉल्स को इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया। सबसे पहले ब्लैक बॉल है, फिर स्ट्राइप्स है, सॉलिड है, स्ट्राइप है, सॉलिड है, सॉलिड है, स्ट्राइप है, सॉलिड है, स्ट्राइप है। तो इसको ऐसे लगाते हैं रैक के अंदर, अलग अलग करके, स्ट्राइप सॉलिड, स्ट्राइप सॉलिड। तो हम जैसे ये इस साइड पर रखी हुई है पोजिशन पे, तो जो फर्स्ट प्लेयर होगा वो उस साइड से खेलेगा। तो आप ये डिसीजन आप खुद ले सकते हो कि फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर कैसे खेलेगा। जैसे आप बचपन में हमने टॉस किया होगा सिक्के से, जैसे हेड या टेल, आप उससे भी टॉस करके सेलेक्ट करते हो कि पहला प्लेयर कौन सा खेलेगा और दूसरा प्लेयर कब खेलेगा। तो टॉस करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि पहला खेलेगा या प्लेयर ए खेलेगा या प्लेयर बी खेलेगा, ठीक है। तो इसके भी एक फाउल्स होते हैं गाइस, तो मैं आपको इसके फाउल्स के बारे में बताता हूँ। तो जैसे फाउल्स भी होते हैं, जो मैं आपको बताया तो 3 या 4 टाइप्स के फाउल होते हैं। तो बताता हूँ, जैसे अगर कोई व्हाइट गेंद को, व्हाइट गेंद से कोई गेंद हिट करता है, ठीक है, तो उस प्लेयर को, दूसरे प्लेयर को बताना होता है कि मैं इस गेंद को हिट करूंगा और उस होल में जाएगी, पॉकेट में जाएगी, अगर वो गेंद हिट करता है, अदरवाइज उस पॉकेट में नहीं जाके बाय चांस अदर पॉकेट में जाते हो तो फाउल होता है। तो पहला फाउल ये होता है। दूसरा फाउल ये होता है अगर आप स्टिक से खेल रहे हो, आपने अपना हाथ सेट किया, अदरवाइज गेम खेलते खेलते अगर आपका हाथ कहीं दूसरी गेंद में टच हो गया, जब व्हाइट गेंद आपकी हिल गई, ठीक है, जैसे आप हिलते हो तो ऐसे हिल जाती है, तो वो दूसरा फाउल होता है। तीसरा फाउल ये होता है कि अगर आपने व्हाइट गेंद को हिट किया स्टिक से और वो डायरेक्ट सीधा आपके पॉकेट में चलेगी विदाउट कोई बॉल टच करे या हिट करे, तो वो गाइस तीसरा फाउल होता है।
चौथा फाउल ये होता है कि आपने बोला कि दूसरे प्लेयर को मैंने ये गेंद हिट करनी है, अपनी सॉलिड गेंद हिट करनी है, तो बाय चांस हिट करने के बजाय आपकी स्ट्राइप्स गेंद हिट हो गई, तो वो एक चौथा फाउल होता है। ठीक है गाइस, तो इस गेम में चार फाउल होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। पूल टेबल दिखाता हूँ कैसा होता है, कटिंग करते हैं। इसके अंदर पॉकेट्स, छह पॉकेट होते हैं, आप देख सकते हो इतना बड़ा पूल है मेरा। तो एक दो तीन चार पाँच छह पॉकेट है। इस पॉकेट के भी नाम होते हैं, जैसे ये चार कॉर्नर पे जो पॉकेट है उसे कॉर्नर पॉकेट कहते हैं। ठीक है, और जो पूल के सेंटर पे गाइस एक इधर है एक इधर है, तो इसको सेंटर पॉकेट्स कहते हैं। तो हेलो गाइस, तो मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ। तो मेरे साथ जो पार्टनर है मेरे लखविंदर जी है, जो मेरे ऑफिस दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, इसका निक नेम लकी है, जो हम इसे प्यार से लकी कहते हैं। तो जो आपको इसका मैं तो ये करवाता हूँ कि जो आपने मेरी वीडियो में तीसरी वीडियो में जो आपने फिश एक्वेरियम देखा था, वो मेरे लकी सर ने मुझे दिलाया था। हाय करो लकी सर। हेलो गाइस। तो जो फिश एक्वेरियम के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप, मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप इनसे क्वेरी कर सकते हो किसी भी रिलेटेड, चाहे कोई डॉग्स हो, पेट्स हो, आपके फिश लेनी हो, आपको फिश के अंदर क्या जो रख सकते हो तो फिश अच्छी रहे, तो मैं इसका नंबर आपके अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। तो आप उसके कॉन्टेक्ट करके इससे आप कुछ भी आपकी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो। तो चलो हम आपको गेम प्ले करके दिखाते हैं। तो गाइस, ये हम टॉस कर रहे हैं कि फर्स्ट प्लेयर कौन खेलेगा, सेकेंड प्लेयर फर्स्ट कौन खेलेगा। तो लकी क्या लोग, हेड या टेल? टेल। तो मैं हेड ले रहा हूँ गाइस, देखते हैं कौन सा प्लेयर फर्स्ट खेलेगा। ठीक है, आपके सामने सिक्का उछाल रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हो टेल आया है, तो फर्स्ट लकी की बारी है। लकी आपको, लकी पहले प्ले करके दिखाएगा कि गेम कैसे खेलते हैं। पहले लकी हिट करेगा जब तक हम रैक में गेंद लगा ले। तो गाइस, ये मैंने अपने पूल टेबल के ऊपर रैक के अंदर बॉल्स लगा ली है, तो हम आपको प्ले करके दिखाते हैं कि मैं हटा देता हूँ अपने रैक से। ऐसे इसको रैक को, बॉल्स को सेट करके रैक के अंदर रैक ऐसे हटा लेना है, आपकी बॉल ऑटोमेटिकली ऐसे सेट हो जाएगी। तो अब लकी सर आपको हिट करके दिखाएंगे। तो पहला टॉस लकी के पास आया था, फोकस ऑन द लकी। देखो लकी ऐसे गेंद फेंकते हैं, अपने हाथ को मोटी वाली जो स्टिक की साइड है वो उस हाथ में रखनी है, और लेफ्ट हैंड में स्टिक को एकदम फ्री रखना है, जैसे ये दिखा रहा है। आप देख सकते हो कि लकी हिट करेगा अभी, तो ऐसे जोर की हिट करना है। तो देन सेकंड मेरी बारी है, तो क्योंकि टॉस हेड मेरा आया था तो मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे गेंद खेलते हैं। ये देख सकते हो पीछे जो बड़ी वाली स्टिक का साइड है वो पीछे लेना है, और जो आगे इसको ऐसे लेना है, आपको जोर की मारना है। तो गाइस अब मेरी सेकंड बारी है, तो मैं आपको हिट करके दिखा देता हूं। लकी खेलो। जो पहली गेंद पॉकेट में चली जाएगी, अभी हमारी एक भी गेंद पॉकेट में निकली है, अगर जो पॉकेट में चली जाएगी तो वही प्लेस की गेंद होती है, उसी को हिट करेगा। हिलाया मत कर कभी। तो गाइस आप देख सकते हो फर्स्ट बॉल लकी सर ने डाल दिया है। तो जैसे ही फर्स्ट बॉल आपके पॉकेट में चली जाएगी, आप देख लेना कि स्ट्राइप गई है, सुरट गई है, तो आपके सामने दिख रही है स्ट्राइप बॉल। तो जो भी पूल टेबल के ऊपर जितने भी स्ट्राइप बॉल होगी वो लकी हिट करेगा, और जो मेरी बची सॉलिड होगी वो मैं हिट करूंगा। ठीक है, तो आप गेम को एंजॉय करिए, हम आपको एंड में दिखाते हैं कि गेम कौन जीतेगा। ये हमारी अब स्ट्राइप रह गई है, दो गेंद रह गई है, ठीक है, और सॉलिड रह गई है तीन। तो ये गेम खत्म होने वाली है, जिसने सारी सॉलिड गेंद अगर मैंने डाल दी तो लास्ट में मैं अपनी ब्लैक बॉल्स लूंगा, हिट करने का प्रोग्राम डालूंगा, तो गेम खत्म हो जाएगी, मतलब चैंपियन मैं होऊंगा इस गेम का। अगर लकी सर ने हमारे स्ट्राइप बॉल डाल दी दो,
तो दो स्ट्राइक बॉल डालने के बाद उसकी हिट करेगा ब्लैक बॉल को, अगर उसने ब्लैक बॉल डाल दी तो विनर इज लकी, देन विनर इज मी, ठीक है। तो गाइज मैंने अपनी सॉलिड गेंद सारी पॉकेट में डाल दी है, तो आप देख सकते हो एक बची है स्ट्राइप्स और एक ब्लैक और एक वाइट। तो मैंने सॉलिड गेंद अपनी जो मेरी सॉलिड गेंद थी वो सिलेक्ट हुई थी वो मैंने सारे पॉकेट में डाल दी जितनी भी थी। अब एक स्ट्राइप बची है, ब्लैक बची है, अब मैं हिट करूंगा ब्लैक बॉल को, अगर ये ब्लैक बॉल पॉकेट में चले गई तो गेम ओवर और विनर इज देविंदर। लकी मार इस गेम के ऊपर पोस्ट तुम कर दूंगा जिंदा, इतने कट करेंगे, इतने कट करने पड़ेंगे मुझे इस वीडियो में। जल्दी जल्दी मार, जल्दी गेम खत्म कर यार, मैं लास्ट में इंट्रोडक्शन करवाना है। ले जा, तू अब ले जा सकता है, ले तो जा सकता है, ले लग जाओ। सो गाइस विनर इज मी एंड लकी इज, तो गाइज ब्लैक बॉल मैंने डाल दिया है तो विनर इज मी देविंदर एंड लकी फर्स्ट हार गया गेम। तो कोई बात नहीं, होता गेम में तो हार जीत तो चलती है। तो मैंने आपको दिखाया कि ये पूल टेबल कैसे खेलते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आओगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी तो। लकी सर का मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी फिश एक्वेरियम के रिलेटिव आपका कुछ क्वेरीज चाहिए होगी तो आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लकी ठीक है, कहाँ से लाते हो? करोल बाग। कितने के लाते हो फिश? 50 रुपये। 50 रुपये पेयर होती है, बट अपने नियर बाय जो भी आपके घर के आसपास होगा थोड़ी महंगी मिलती है, कोई बात नहीं, होता है। करोल बाग में बहुत सारी मार्केट है, तो मैं लकी सर का आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप इनका नंबर जाके क्वेरीज कर सकते हो। तो गाइज अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, एंड थ्री चीज, वेयर द मास्क ऑन द माउथ एंड सैनिटाइज योर हैंड एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। बाय बाय, टिल देन साइन अप।